module 97 chapter consumer behavior and the topic under expenditure function we are going to study the various properties and one property that we have studied in our previous module and here the property that is called the shephard lemma this property is a very unique unique means because it entails that given by ronald शेफर्ड एंड ऑन द नेम ऑफ रोनल्ड शेफर्ड दैट वेन एवर देयर इज अ कंज्यूमर ही विल सेलेक्ट द वेरी यूनिक अमाउंट ऑफ द कमोडिटी टू हैव द मिनिम एक्सपेंडिचर अगर मैं इसको सादा लफाज में आपसे कहूँ तो वो ये है कि एक हमारे रोनल्ड शेफर्ड जिनके नाम पर मौजूद है उन्होंने अपनी किताब द थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन में कहा कि जो एक सार्फ़ है वो सारफ़ अगर वो प्रोडक्शन सेटअप में है चूंकि ये टॉपिक ज़्यादा प्रोडक्शन सेटअप से रिलेटेड है तो इन डिटेल जब हम प्रोडक्शन एनालिसिस करेंगे ये उसमें बहुत डिटेल से आएगा और अगर एक सारफ, चाहे वो अपनी कंज्यूमर एनालिसिस के अंदर अगर जिसको हम बात करते हैं वो अपने इन कर्व्स के ऊपर है तो दोनों फॉर्म में जब उसको एक एक्सपेंडिचर्स के ऊपर मीन को अखराज करने होते हैं तो वो एक वो यूनिक पॉइंट या यूनिक मकदार वो एक अपनी ज़रूर सिलेक्ट करता है और वो यूनिक मकदार उसकी उस कमोडिटी की होती है जो उसको अनेबल करती है कि वो अपने अखराज की कम अज़ कम उस हद को पहुँच जाए जहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ उससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकता तो वो एक बड़ा यूनिक पॉइंट होता है इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शेफर्ड लेमा इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट और अगर हम अब यहाँ पे कहें तो उस न, आ, जो हमारी आ, बुक चैप्टर्स में है तो ये है कि ये शेफर्ड लेमा जो है ये प्रॉपर्टी होती है हमारे एक्सपेंडिचर फंक्शन की और इसको प्रूफ भी एक्सपेंडिचर फंक्शन में थ्रू द डिस्टेंट फार्मूलाज के ज़रिए किया गया और दैट इज ए वर्जन ऑफ द एनवेलप थ्योरम अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें जो हमारे सामने आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है वो डिफ्रेंसीशन है और वो डिफ्रेंसीशन किस चीज़ की है दैट द चेंज इन द एम द अमाउंट ऑफ द मनी और द चेंज इन एम मेन द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस कीमत के बदलने से हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम उसको चेक करते हैं तो हमारे सामने जो एक फार्मूला आता है ये वही है जो हमने बहुत दफ़ा अगर हम देखें अपने सब्सिट्यूशन अफेक्ट में और स्लट्स की इक्वेशंस के दौरान किया हुआ है तो यहाँ पर जो हमारे पास यूनिक फॉर्म नज़र आती है वो ये है कि देयर शुड बी एन एक्सटेरिकमाउंट एंड दैट एक्सटेरिक अमाउंट इज द वेरी यूनिक अमाउंट दैट विल अनेबल द कंज्यूमर टू हैव द मिनिम एक्सपेंडिचर एंड प्लस द अदर इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू सी हियर और उस इक्वेलिटी को देखते हुए जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उस चीजों पर पहुंचते हैं किल एंडलेस एक्सपेंडिचर फंक्शन विल नॉट एक्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफर्ड लेमा इट विल नॉट बी पॉसिबल टू हैव दैट मिनिमम लेवल ऑफ द एक्सपेंडिचर इसीलिए जब यूटिलिटी को हमने कांस्टेंट इसमें रखना है और तय करना है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इट वेरीज एंड व्हेन वी सेट एवर द चेंज देयर इज वी द चेंज इन दिस प्राइस वट विल बी द चेंज इन द आवर कॉन्स्टेंट द देंट वी हैव टू डिसाइड दैट विद रिस्पेक्ट to the change in the price we come up this that it is equal to the utility multiplied by the change in the commodity x and that x steric it means that x steric is that unique amount of the commodity with the change in that price p steric that provides him that amount दैट ही विल बी एबल टू अटेन विद दैट मिनिमम एक्सपेंडिचर द गिवन लेवल ऑफ द यूटिलिटी सो अगर हम देखें तो जो पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ़ द एक्सपेंडिचर फंक्शन हम अगर जब डिराइव करते हैं तो वो हमें विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ आईदर तो प्राइस ऑफ एक्स और हम इसको चाहें तो हम चेक कर सकते हैं विद द प्राइस ऑफ वाई और मीन्स फ्राम एनी अदर यूनिट तो जो हमें ये उसका ऑस्पेक्ट देता है तो ये हमें बेसिकली कंपनसेटेड डिमांड कर्व का उस जो कमोडिटी की प्राइस के साथ उसी डेरिवेशन पे हम पहुंच जाते हैं तो बेसिकली कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन की डेरिवेशन करके जब हम पहुंचते हैं तो वो हमें रिक्वायर करता है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर शुड बी देयर मीम जो हम अगर हम देखें तो कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है यूटिलिटी शुड बी कैप्ड कांस्टेंट और उस यूटिलिटी के तहत हमारा जो बजट का सेटअप है आइर हम उसको फिर कंपनसेट करेंगे तो अगर उसी ऑस्पेक्ट को यूटिलाइज हम करते हैं तो एक्सपेंडिचर फंक्शन हमें उसकी प्रॉपर्टी ऑफ शेफर्ड लेमा पे इंसिस्ट करता है इसी को जब हम ग्राफ की शक्ल में देखते हैं तो ऑन एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी की प्राइसिस को शो किया है मेन इट कैन बी द इनिशियल प्राइस एंड ऑन राइट साइड इट इज गोइंग टू इंक्रीज़ सो वेन देर इज इंक्रीज़ इन द प्राइस एंड ऑन द वाई एक्सिस दिस इज अमाउंट ऑफ एम और इस एम अमाउंट की बजाय अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको ई से भी शो कर सकते हैं बिकॉज द सेम अमाउंट हैज टू बी स्पेंड फॉर द एक्सपेंडिचर टू अटेन द यूटिलिटी एंड हेयर दिस यूटिलिटी विल बी कैप्ट कॉन्स्टेंट एंड दिस If it is the price of the other goods, it is also has to be kept constant. So, when only the price of this commodity that is moving on the right side, this if it is only x, with the increase in this x, this total expenditure function, it is going to rise and rise and rise. So, when it is going to increase, and we are going to differentiate this expenditure function or this with the change in the price we are going to ascertain that there should be at least any very unique particular point that here we are going to say xi prime or we can say that it is xi where this compensated demand function will be equally compensated by the setup of these two price compensation so for this pi prime if we say this will be the unique point. if we will consider this pi double prime, then this will be the unique point. and likewise, if there will be any other third price, then we can have an other third level of the unique point. that if we have to change price from here to here and here, so for each respective price, whatever will be the required utility level we have to attain, we will be requiring a very unique amount of the commodity of either uh, that can be shown by x prime or that can be shown by x tariff, that unique point has to be ascertained. Thank you.